फ्लावरिंग प्लांट्स हम स्टडी कर रहे थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. इसमें आज हम देखेंगे, आपका लास्ट टॉपिक है ये, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट. टेक्निकल दैट मीन्स जो ये आप फॉर्मूला डेवलप किया, तो इसको किस तरह से डेवलप किया है, ये फ्लोरल फॉर्मूला है और ये आपका फ्लोरल डायग्राम है. ओके, इसका डिस्क्रिप्शन किस तरह से देते हैं आज हम वो स्टडी करेंगे. तो देखो, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जहाँ ब्रैक्टीरिएट प्रेजेंट होते हैं, तो जिन फ्लावर्स में ब्रैक्टीरिएट प्रेजेंट होता है वहाँ लिखते हैं बी आर. ये राइट डाउन किया आपने बी आर, आपको दिख रहा है यहाँ बी आर नहीं दिया गया है, ठीक है. अच्छा, अब आपने देखा था फ्लावर में जो ग्रीन पार्ट होता है, ठीक उसके स्टॉक के ऊपर जो ग्रीन पार्ट इस तरह से लगा होता है और उसके ऊपर फ्लावर लगा होता है, ठीक है, तो कलरफुल पेटल्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो सेपल्स होते हैं, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है इस तरह से होल्ड किया होता है, तो ये होते हैं उसके कैलिक्स, ठीक है, उसके स्टॉक के साथ प्रेजेंट है. तो ये है कैलिक्स. कैलिक्स के लिए आप के डिनोट करते हो, क्लियर. फिर आप बोलते हो जो कलरफुल पार्ट होता है उसे आप कोरोला कहते हो, जिसे आप पेटल्स कहते हो. रोजेस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, वो जो डिफरेंट कलर है वो उसके कोरोला के कारण ही है, जिसे आप पेटल्स कहते हो, उसे आप डिनोट करोगे सी से. सी स्टैंड्स फॉर कोरोला. कहीं कहीं पेरियंथ प्रेजेंट होता है, हमने पहले डिस्कस किया था पेरियंथ. जो कैलिक्स और कोरोला जहाँ डिफरेंशिएशन नहीं है वहाँ पेरियंथ प्रेजेंट होता है, उसे आप पी से डिनोट करते हो. ओके, एंड्रोशियम, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पार्ट, ये सब क्या है, उसके एंड्रोशियम पार्ट है, ये एंड्रोशियम है, ठीक है. तो एंड्रोशियम को आप ए से डिनोट करोगे, तो यहाँ आपको एंड्रोशियम कितने दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है. तो आपने कहा 2 प्लस 4, 4 एक साथ है और 2 अलग है, तो फर्स्ट 2 देखें, ये 1 और यहाँ 2 और प्लस ये 4 एक साथ है, एक ही वर्ल्ड में प्रेजेंट है, ठीक है. तो दो वर्ल्ड होने के कारण आपने कहा 2 प्लस 4 अरेंजमेंट. सेम थिंग आपने कैलिक्स में देखी, कैलिक्स में भी देखा 2 वर्ल्ड्स प्रेजेंट है, एक वर्ल्ड तो ये वाला है जो आप में आपको टॉप मोस्ट दिख रहा है और यहाँ लोअर मोस्ट दिख रहा है, ये सिंगल वर्ल्ड में है. सेकेंड वर्ल्ड फिर कैलिक्स का ही है जहाँ और 2 कैलिक्स प्रेजेंट है, इसलिए आपने यहाँ नोट डाउन किया 2 प्लस 2. फिर आपने देखा कोरोला, जो कलरफुल कोरोला प्रेजेंट है, एक साथ प्रेजेंट है लेकिन ज्वाइंट नहीं है, तो आपने इसको कहा 4 कोरोलाज, क्लियर. गाइनोशियम की आप बात करते हो तो ये आपको डबल ऑक्यूलर दिख रही है, इसलिए लिखा 2. और क्योंकि गाइनोशियम यहाँ क्या है, सुपीरियर है, तो गाइनोशियम को आपने ऊपर रखा और नीचे एक लाइन ड्रॉ करी. इसका मतलब है कि और सारे वर्ल्ड गाइनोशियम से नीचे है, तो आपने यहाँ लोअर डाउन एक यहाँ आपने लाइन लगाई, क्लियर, ये डिनोट किया. अब जो ये डॉट दिखाई दे रहा है ये मदर एक्सेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है. अब आप आगे की स्टडी करोगे, तो गाइनोशियम के लिए क्या दिया आपने, जी दिया. एंड्रोशियम के लिए ए दिया, गाइनोशियम के लिए जी दोगे. अब गाइनोशियम में कंडीशंस होती हैं, यहाँ 2 कंडीशंस होती हैं, एक या तो गाइनोशियम सुपीरियर हो सकता है और या गाइनोशियम इंफीरियर हो सकता है. सुपीरियर, जैसा कि हमने पहले स्टडी किया था कि गाइनोशियम अपर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट है और सारे वर्ल्ड नीचे हैं, नीचे से आएंगे, जैसे कैलिक्स है, कोरोला, एंड्रोशियम, क्लियर. लेकिन जब गाइनोशियम इंफीरियर होता है तो और सभी वर्ल्ड इससे सुपीरियर होते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे. जैसे गाइनोशियम सुपीरियर, तो गाइनोशियम को ऊपर रखोगे, वर्ल्ड के लिए नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, क्लियर. ये लो, ये एक लाइन ड्रॉ करी. अब इंफीरियर है तो आप यहाँ एक लाइन ऊपर ड्रॉ करोगे कि गाइनोशियम नीचे है और यहाँ और सारे वर्ल्ड प्रेजेंट है. ये देखो, ये सारे वर्ल्ड ऊपर प्रेजेंट है, इस तरह से डिनोट कर दोगे. ये एंथर है, ठीक है, इस तरह से डिनोट किए जाते हैं. अब बात आती है मेल पार्ट की. फ्लावर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई फ्लावर में ओनली मेल पार्ट्स प्रेजेंट है और किसी फ्लावर में ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट है. कोई फ्लावर ऐसा भी हो सकता है जिसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है. इन फ्लावर्स को आप कहते हो कंप्लीट फ्लावर, जहाँ दोनों पार्ट प्रेजेंट है. और अगर दोनों पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो आप उन फ्लावर्स को बोलते हो इनकम्प्लीट फ्लावर, क्लियर. तो देखो यहाँ बोल रहा है मेल पार्ट को किस तरह डिनोट करोगे,
तो मेल पार्ट के लिए ये आपने फ्लावर डिनोट किया और मेल पार्ट के लिए एक एरो बनाओगे यहाँ पे, ये मेल पार्ट है। अब बात आती है फीमेल पार्ट की, तो आपको कैसे ध्यान रखोगे, कैसे याद रखोगे फीमेल? पॉजिटिव, पॉजिटिव से याद रखोगे। ओके, ये पॉजिटिव साइन लगेगा फीमेल के लिए। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दो, जब फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है फीमेल भी प्रेजेंट है, तो आप उसे कहोगे बाइसेक्सुअल प्लांट्स, और बाइसेक्सुअल प्लांट्स में लगेगा इस तरह से एरो भी प्रेजेंट है, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है, और यहाँ गाइनोशियम भी प्रेजेंट है। क्लियर? यहाँ इसने डिनोट किया है दोनों पार्ट प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ डिनोट किया गया है कि यहाँ क्या प्रेजेंट है, दोनों पार्ट प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ उसने बाइसेक्सुअल फ्लावर लगाया। क्लियर? बाइसेक्सुअल स्ट्रक्चर दिया कि दोनों पार्ट प्रेजेंट है। अब देखो फ्लावर के कंडीशन में, इसलिए बाइसेक्सुअल है। अब फ्लावर के कंडीशन में एक कंडीशन आती है एक्टिनोमॉर्फिक और एक आती है जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में क्या डिफरेंस है? एक्टिनोमॉर्फिक में आप कहते हो अगर किसी ही फ्लावर को आप किसी एक रेडियल प्लेन से डिवाइड करते हो तो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। अगर वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है किसी रेडियल प्लेन से तो आप उसे बोलते हो एक्टिनोमॉर्फिक, और आप वहाँ साइन लगाते हो ये पॉजिटिव, और ये फ्लावर को आपने क्या किया, इस तरह से डिवाइड किया। इस प्लेन किसी भी प्लेन से डिवाइड करो, दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो आपने ये साइन लगाया। देखो ये साइन इस तरह से बना हुआ है, ये सर्कल इस तरह से अंदर एक पॉजिटिव साइन बना है। ठीक है, ये एक्टिनोमॉर्फिक के लिए है। अब बात आती है जाइगोमॉर्फिक की। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होती है आप किसी फ्लावर को एक स्पेशल, उसका कोई रेडियल प्लेन है और उसको आप वर्टिकली डिवाइड अगर कर सकते हो दो पार्ट में तो वो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है। ठीक है, उसके लिए ये परसेंटेज लाइक साइन लगता है। क्लियर? ये कुछ फॉर्मूलास थे जिससे आप डिनोट करोगे कि किस तरह आप फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हो, फ्लोरल डायग्राम को देख के, या फिर फ्लोरल फॉर्मूला को देख के आप फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको प्लांट के ये स्पेशल कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। ठीक है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे ऑफकोर्स। अच्छा, एक कंडीशन और, एंड्रोशियम के कभी कभी क्या कंडीशन होती है कि ये एंड्रोशियम या तो कोरोला के साथ ज्वाइंट हो जाता है, या ये देखो ये कोरोला के साथ ज्वाइंट है या पेरियंथ के साथ ज्वाइंट हो जाए। तो एंड्रोशियम अगर कोरोला के साथ ज्वाइंट होता है तो ये कंडीशन होती है, पहले सी लिखा जाता है और फिर ए लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लिखोगे सी और यहाँ ए प्रेजेंट है। अब आप बोल रहे हो ये ज्वाइंट है, एंड्रोशियम ज्वाइंट है, तो ऐसे बार लगाते हो आप। ठीक है, और एंड्रोशियम के पास में आप एक साइन लगाते हो, जैसे एंड्रोशियम का नंबर है ऑफकोर्स, तो फोर नंबर प्रेजेंट है, तो आपने लिखा इस तरह से फोर। अगर ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट कंडीशन में है, तो आप इनको ब्रैकेट में डालोगे। अगर ये ज्वाइंट कंडीशन में नहीं है तो आप इसे सिंगल इस तरह से फोर लिख दोगे। इसी तरह कोरोला में भी होता है और कैलिक्स में भी होता है। अगर यहाँ ये ज्वाइंट होते हैं तो आप यहाँ नंबर लगाओगे और यहाँ लिखोगे ब्रैकेट। ज्वाइंट नहीं है तो आप सिंपली आप नंबर से डिनोट कर सकते हो। ये कैलिक्स में भी ऐसा ही होगा, कोरोला में भी इससे इस तरह होगा, और एंड्रोशियम में भी। अगर वो डिफरेंट वर्ल्ड्स में प्रेजेंट है तो 2+4, जैसे 2+2 आपने लिखा यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ टू वर्ल्ड्स हैं तो हमने लिखा 2+2, 2 के लिए एक वर्ल्ड है और नेक्स्ट 2 के लिए नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेजेंट है। क्लियर पॉइंट? इसलिए यहाँ बात कर रहे थे फ्यूजन की। फ्यूजन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ आप ये फ्यूजन बताया, ये फ्यूज हुआ इसके साथ, तो आपने एक बार लगाया, इस तरह से लाइन ड्रॉ करी। अगर यहाँ मैंने जैसे भी बात करी, यहाँ ज्वाइंट है, इस तरह से कोरोला एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, ज्वाइंट कंडीशन होते ही आप उस नंबर को ब्रैकेट में डाल दोगे कि यहाँ 5 नंबर है, लेकिन किस तरह से कंडीशन है, यहाँ यहाँ गैमोपेटेलस कंडीशन है। ठीक है, पॉलीपेटेलस कंडीशन होती है जब सभी कोरोला एक दूसरे से फ्री हैं, जब सभी एंथर्स एक दूसरे से फ्री हैं। ठीक है, तो वहाँ आप कहते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्लोरल डायग्राम आपको प्रोवाइड करता है एक इंफॉर्मेशन कि नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं फ्लावर के वो कितने हैं, वहाँ क्या एंड्रोशियम प्रेजेंट है, गाइनोशियम प्रेजेंट है, गाइनोशियम की कंडीशन क्या है, कैलिक्स का नंबर कितना है, गैमोपेटेलस कंडीशन है या पॉलीपेटेलस कंडीशन है, ये सभी देखा जाता है। ठीक है, अरेंजमेंट। अब सबसे बड़ी बात, मदर एक्सेस आपको दिखाई दे रहा है ये डॉट ऊपर। ठीक है,
ये जो डॉट दिखाई दे रहा है ये शो कर रहा है मदर एक्सेस को, कि जो फ्लावर की पोजीशन है वो मदर एक्सेस के रेस्पेक्ट में क्या है। ठीक है, तो ये टॉप पे डॉट डॉट शो करता है मदर एक्सेस के साथ फ्लावर का अरेंजमेंट या फ्लावर की कंडीशन को। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले कैलिक्स प्रेजेंट होता है, फिर कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। इसी तरह आप वर्ल्ड्स को डिनोट करते हो, ड्रॉ करते हो। क्लियर, ये आप फ्लोरल फॉर्मूला में भी करते हो, ये आप फ्लोरल डायग्राम में भी करते हो। क्लियर पॉइंट कि वर्ल्ड्स किस तरह से प्रेजेंट है, पहले कैलिक्स है, कोरोला है, या कैलिक्स करल नहीं है तो वहाँ पेरियंथ प्रेजेंट है, यहाँ एपिकैलिक्स प्रेजेंट है कि नहीं। कैलिक्स से पहले कभी कभी एपिकैलिक्स भी मिलते हैं, तो वो एपिकैलिक्स प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो कैलिक्स जो है जैसा कि आप देख रहे हो आउटर मोस्ट है, और इनर मोस्ट क्या है, गाइनोशियम प्रेजेंट है। ये इनर मोस्ट में गाइनोशियम प्रेजेंट है और आउटर मोस्ट में कैलिक्स प्रेजेंट है। क्लियर पॉइंट, ये हमने देखा कि हम फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे या फ्लोरल डायग्राम किस तरह ड्रॉ करेंगे, लेकिन स्पेशल फीचर्स आपको किसी भी फैमिली के पता होने चाहिए। फैमिलीज ये हैं कि हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है सभी प्लांट्स को, वो 7-8 फैमिलीज हैं। जब आप छोटी क्लास में पढ़ते हो, हायर क्लासेस में जाओगे तो ये फैमिलीज और डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो यहाँ कोहेशन और एडहेशन भी वर्ड्स में बताया जाता है, जैसे मैंने बताया अभी कि ये इस तरह से डिनोट किया जाता है कि ये एंड्रोशियम यहाँ कोरोला के साथ ज्वाइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम की कुछ कंडीशंस। जैसा हमने अभी देखा एंड्रोशियम की बात करी, अगर इनफाइनाइट एंड्रोशियम स्टैमेंस प्रेजेंट है, यानी कि एंथर्स का नंबर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो आप ये इनफाइनाइट का साइन लगाते हो। क्लियर, अगर ये ज्वाइंट है एंड्रोशियम कोरोला के साथ में, तो आपने सी और ए के ऊपर एक बार लगाया। अगर यहाँ पेरियंथ प्रेजेंट है तो एपिफिलस कंडीशन कहा, और आपने यहाँ एक बार से डिनोट किया। जैसा कि हमने गाइनोशियम की बात करी थी, जी से डिनोट किया था, सुपीरियर इंफीरियर ओवरी आपने देखा था। सुपीरियर होने के कारण जी को ऊपर रखोगे, बार नीचे लगाओगे। इंफीरियर कहोगे तो ऑफकोर्स जी को नीचे रखोगे, बार ऊपर लगाओगे। बार डिनोट कर रहा है जो वर्ड्स, जो रिमेनिंग वर्ड्स प्रेजेंट है वो सभी क्या है, गाइनोशियम से अपर पोजिशन में प्रेजेंट है। क्लियर पॉइंट, अब बात आती है सिनकार्पस ओवरी की या एपोकार्पस। सिनकार्पस यानी कि फ्यूजन हो रहा है, ज्वाइंट है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है ज्वाइंट होने के कारण मैंने कहा था इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो इसने भी इसको ब्रैकेट में डाला। एपोकार्पस ओवरी होती है कि यहाँ एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है, पर कार्पल्स एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ज्वाइंट नहीं है, फ्री है। फ्री है आपने कहा एपोकार्पस, ज्वाइंट है आपने कहा सिनकार्पस। क्लियर पॉइंट, सुपीरियर इंफीरियर ओवरी की हम बात कर चुके हैं, और ये जो नंबर डालते हैं तो इस नंबर को कहा जाता है एन। इस एन की जगह आप कुछ भी डिनोट कर सकते हो, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का साइन लगाओगे, अगर वहाँ फोर है तो फोर, और अगर वहाँ प्रेजेंट है 9+1 के अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स 9 अलग है ग्रुप में और 1 अपना अलग अकेला खुद के मेंटेन कर रहा है अपने स्ट्रक्चर को अकेला, वो यहाँ ज्वाइंट नहीं होना चाह रहा, तो आपने अरेंजमेंट दिया 9+1 अरेंजमेंट। क्लियर पॉइंट, ये कंडीशन है एंड्रोशियम और गाइनोशियम की। अब हम देखेंगे फैमिली फैबेसी, पहले इसे पेपिलियोनिटी में रखा गया था जो कि फैमिली है लेग्यूमिनेसी की। क्लियर, तो ये पेपिलियोनॉइडी रखा, ये सब फैमिली है लेग्यूमिनेसी की। फर्स्ट फैमिली हम पढ़ते थे पहले, अभी इसे आपने नाम दिया है फैबेसी। क्लियर पॉइंट, तो इसका एक आपको मेंबर अपने दिमाग में याद रख के चलोगे तो फैमिली को रीड करना, उसे याद रखना इजी हो जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे पी, पी का स्ट्रक्चर। ठीक है, पी दैट मीन्स मटर। ठीक, तो पी का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है। जब आपको उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पता होंगे तभी आप उसका फ्लोरल डायग्राम बना पाओगे या उसका फ्लोरल फॉर्मूला लिख पाओगे। क्लियर पॉइंट, तो देखो सिंपल आप याद रखना, हमने देखा लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी का स्पेशल फीचर होता है कि यहाँ रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह जो पढ़ते थे 9th-10th क्लास में, हम पढ़ते थे रूट नोड्यूल्स की बात करते थे, तो इसलिए लेग्यूमिनेसी फैमिली में अगर फैबेसी का स्पेशल कैरेक्टर कोई पूछता है तो आपको याद रखना है यहाँ रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर पॉइंट, इंपॉर्टेंट चीज आपकी नीट के लिए। ट्रीज भी हो सकते हैं फैबेसी फैमिली में, और शर्ब्स भी हो सकते हैं, और हर्ब्स भी हो सकती हैं। रूट होंगी विद रूट नोड्यूल्स। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, स्टैम होता है इरेक्ट, या तो वो स्टैम ट्री है, ऑफ कोर्स इरेक्ट है, लेकिन अगर क्लाइंबर है
स्टोफोर क्या होता है, क्लाइंबर जिस तरह मनी प्लांट बढ़ता है क्लाइंबर इसी तरह बढ़ते हैं, तो वो क्लाइंबर की फॉर्म में है। ठीक है स्टेम। नेक्स्ट लीव्स जो होती हैं वो अल्टरनेटली प्रेजेंट होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं और सिंपल लीफ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, या पिन्नेटली कंपाउंड आपने देखा था एक ही लीफ में लीफलेट में डिवाइड हो जाती है। अब लीफ बेस प्रेजेंट होता है, स्टिप्यूलेट और जो वेनेशन है उसका वो क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप देखते हो फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हो, फ्लोरल कैरेक्टर्स में आप देखते हो इनफ्लोरिसेंस, इंपॉर्टेंट चीज है इनफ्लोरिसेंस। जो इनफ्लोरिसेंस है वो रेसिमोस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये रेसिमोस टाइप का, यहाँ इनफ्लोरिसेंस आपको याद रखना है ये बात कि पी में इनफ्लोरिसेंस रेसिमोस टाइप का होता है। इसके इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, आपको ये चीज़ ऑफकोर्स नीट के में आ सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पुट होते हैं। फ्लावर की बात करोगे तो बाइसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल के लिए आपने क्या साइन ड्रॉ किया था, आपने साइन ड्रॉ किया था इस तरह से कि इसमें गाइनोशियम भी प्रेजेंट है और यहाँ इसमें एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है। अब बोल रहा है फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, तो जाइगोमॉर्फिक के लिए आपने क्या डेवलप किया था, एक परसेंटेज का साइन डेवलप किया था इस तरह से कि ये फ्लावर क्या है, जाइगोमॉर्फिक है। क्लियर। नेक्स्ट कैलिक्स की कंडीशन, कैलिक्स ऑफकोर्स फाइव है, यानी कि कैलिक्स को आप कहते हो इन जनरल सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, नंबर फाइव है, गैमोसेपेलस है। पेटल्स होते हैं तो गैमोपेटेलस कहा, सेपल्स हैं तो हमने गैमोसेपेलस कहा। गैमो को मतलब होता है ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट होने के कारण आपको एक बात पता चल गई, कैलिक्स फाइव है और गैमोसेपेलस है, तो आप नंबर कैसे डालोगे, आप डालोगे फाइव, ये फाइव और इसको डालोगे ब्रैकेट में, क्योंकि क्या है, इनमें फ्रेंडशिप है और ये आपने ब्रैकेट में डाला, एक ग्रुप को फ्रेंड्स का एक ग्रुप आपने ब्रैकेट में डाला। तो ये इस तरह से आप समझोगे कि अगर आपको आपको ये कैरेक्टर्स याद है, फ्लोरल कैरेक्टर्स याद है, तो ऑफकोर्स आप फ्लोरल फॉर्मूला बना सकते हो, इवन फ्लोरल डायग्राम बना सकते हो। अब बात आती है कोरोला की, हमने पहले पढ़ा था, इनका एस्टिवेशन देखा था, इम्ब्रिकेट और वेलवेट जो एस्टिवेशन की बात करते हो, तो देखो आपने देखा था वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में कि वेलवेट में आपने देखा था ऑफकोर्स टच किए हुए होते हैं, इम्ब्रिकेट में आपने देखा था इस तरह से होते हैं, एक अंदर एक बाहर, ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन था। अब कोरोला की बात करोगे, यहाँ पेटल्स फाइव है, पॉलीपेटेलस है, मतलब समझे पॉलीपेटेलस है, कोई किसी का फ्रेंड नहीं है, सब अलग अलग है, और पेपिलियोनेशियस है, और ये कैसे कंसिस्ट करते हैं ऐसे, एक पोस्टीरियर स्टैंडर्ड पेटल प्रेजेंट है, यहाँ टू लेटरल विंग्स प्रेजेंट है, ये लेटरल विंग्स प्रेजेंट हो गए, और फिर नीचे एक एनक्लोजिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरह से, ये जिसे बोलते कील, KELL या KNELL आई थिंक, ठीक है कील बोलेंगे, देखो KELL कील। तो ये इसको आप बोलते हो वेक्सिलरी एस्टिवेशन, कौन सा एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, और इसको कहा जाता है वेक्सिलम, ये वेक्सिलम कहा जाता है, इसे विंग्स कहा जाता है, और ये जो नीचे प्रेजेंट है इसे कील कहा जाता है। क्लियर। ये कोरोला का अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ नंबर फाइव है जो ज्वाइंट नहीं है, इसलिए आप ब्रैकेट पे नहीं डालोगे, आप सी लिखोगे और सी के बाद लिखोगे फाइव नंबर प्रेजेंट है। क्लियर, डन। नेक्स्ट एंड्रोशियम प्रेजेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट फीचर है इस फैमिली का, फेबेसी का इंपॉर्टेंट फीचर आप यहाँ देख रहे हो, ये आपको नीट में आ सकता है, आपको अरेंजमेंट देके पूछ सकता है ये किस फैमिली का अरेंजमेंट है, तो ऑफकोर्स ये कंडीशन इसी में मिलती है, यहाँ एंड्रोशियम 10 तो होते हैं लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, डायएडल्फस। डायएडल्फस कैसे, यहाँ दो ग्रुप्स प्रेजेंट है एंथर्स के, दो ग्रुप्स प्रेजेंट है, पर वो अरेंजमेंट क्या है, वो अरेंजमेंट कैसा है, दो ग्रुप, एक ग्रुप तो ये है 9 और दूसरा ग्रुप क्या है, दूसरे ग्रुप में सिर्फ 1 ही प्रेजेंट है, 9 तो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है लेकिन 1 क्या है, अकेला प्रेजेंट है। 9 को ग्रुप में डालोगे, ये आपने ग्रुप में डाला, और 1 अकेला प्रेजेंट है तो ये सिंगल है। क्लियर पॉइंट। एंड्रोशियम की कंडीशन हमने देखी। एंथर डायथिकस है, डायथिकस मतलब यहाँ पर आप बात करते हो, यहाँ एंथर में जो सेक्स प्रेजेंट होते हैं अंदर, यानी कि जो थीका प्रेजेंट होता है वो टू प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपने कहा डायथिकस कहा इसको। क्लियर। अब गायनोशियम की बात आती है, ऑफकोर्स ओवरी सुपीरियर है, तो आप कैसे लिखोगे ओवरी सुपीरियर को, ये आपने गायनोशियम के लिए जी लगा दिया, अब आप बोल रहे हो ओवरी सुपीरियर है, सुपीरियर के लिए क्या साइन लगेगा,
सुपीरियर में गणेशम को ऊपर रखोगे तो क्या होगा, बाकी सारे वर्ड्स कहाँ प्रेजेंट हैं, नीचे प्रेजेंट हैं। तो ये है ओवरी सुपीरियर, मोनोकार्पेलरी है, दैट मींस सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट है, वन यूनिलोक्युलर है यानी वन लॉक्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन यूनिलोक्युलर होते हुए भी यहाँ बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और स्टाइल एक ही होता है। स्टाइल याद है आपको, यहाँ ये ओवरी प्रेजेंट थी, ये स्टाइल प्रेजेंट था। तो ये बोल रहा है ये जो स्टाइल है ये सिंगल स्टाइल प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट था यहाँ स्टिग्मा। अंदर बोल रहा है ये कार्पल एक प्रेजेंट है तो मोनोकार्पेलरी कहा, लॉक्यूल्स प्रेजेंट यहाँ सिंगल है तो आपने कहा यूनिलॉक्युलर, क्लियर। ओवरी सुपीरियर है तो ये आपने लगा दिया सुपीरियर का साइन, क्लियर हुआ ये स्ट्रक्चर। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट लेग्यूमिनेसी का, इसका फ्रूट लेग्यूम है, आपको याद रखना है फेबेसी में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट है, फर्स्ट थिंग। एंड्रोशियम की कंडीशन 9+1 है, 9 ज्वाइंट है लेकिन 1 सिंगल है, क्लियर। डायथिकस है सेकंड इंपॉर्टेंट। उसके बाद में इसका फ्रूट जो है वो लेग्यूम है, आपको ये याद रखना है कि फ्रूट क्या है इसका, लेग्यूम। सीड्स यहाँ एक भी हो सकता है और वन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आपने कहा वन टू मेनी सीड्स प्रेजेंट होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, यानी कि अब यहाँ एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है। अच्छा, इस फैमिली की कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ। पहले लोग कपड़ों में ब्लू ब्लू कुछ लगाते थे, उसे बोलते थे नील, एक डाय है, वो कौन से प्लांट से मिलती है, वो इसी फैमिली के प्लांट से मिलती है और वो है इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, नाम याद रखना इम्पोर्टेंट, दिस वन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बहुत सारे प्लांट्स हैं वो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें ज़्यादातर क्या है, पल्सेस हैं, जैसे ग्राम पल्सेस हैं, क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली में ज़्यादातर आपने देखा था पल्सेस को रखा गया था, ठीक है। जिसमें ग्राम है, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये सभी प्रेजेंट हैं किसमें, फैबेसी फैमिली में प्रेजेंट है, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं ये सभी। और एडिबल ऑयल्स प्रेजेंट है, आपने देखा मूंगफली जो है ये भी क्या है, ग्राउंडनट, ये भी लेग्यूमिनसी फैमिली का है, रूट ऑडियोल्स प्रेजेंट होते हैं, सोयाबीन है। डाई में आपने अपने ऑफकोर्स यहाँ बात करी इंडिगोफेरा की, इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ डाई इंडिगोफेरा देता समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम देखते हैं कि हाँ ब्लू कलर किया जाता था व्हाइट कपड़ों को, वो नील है, तो आपको क्या है क्वेश्चन को पढ़ना इजी हो जाता है, समझना इजी हो जाता है और मैं कहूँगी उसको माइंड में रखना इजी हो जाता है जब आप उसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हो, क्लियर थिंग। अब आता है फाइबर्स, फाइबर्स में आप देखोगे सन हैम्प, हैम्प्स प्रेजेंट है, फॉडर प्रेजेंट है, सस्बेनिया, फॉडर होता है ग्रेजिंग एनिमल्स को जो दिया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ल्यूपिन है, स्वीट पी, ये सभी क्या है, इसके कुछ स्पेशल मेंबर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और मैं बोलती हूँ इसलिए ध्यान रखे जाते हैं ताकि आपको उनके कैरेक्टर्स को पढ़ना इजी हो जाए और कैरेक्टर्स याद रहेंगे तो फ्लोरल डायग्राम फॉर्मल फॉर्मूला आपको याद रहेगा जो कि आपको पूछा जाता है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यू फैमिली डिस्कस करेंगे, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ये इसका फॉर्मूला जैसा कि हमने ड्रॉ किया, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ये आ गया जो हमने यहाँ साइन लगाया था, फिर आ गया कैलिक्स की कंडीशन, ये हमने ड्रॉ करी थी, फिर ये अरेंजमेंट इसका अलग अलग उसमें प्रेजेंट है, ये मैंने ड्रॉ किया वन, फिर टू लिटरल विंग्स प्रेजेंट है, फिर टू ज्वाइंट है, इसलिए प्रॉपर दिखाया गया है ज्वाइंट और प्रॉपर खोल के लिखा गया है। ये एंड्रोशियम की कंडीशन 9+1 और ये ओवरी की कंडीशन, ठीक है, ओवरी सुपीरियर, क्लियर पॉइंट, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फैमिली डिस्कस करेंगे, बाय।